तो ये बात है उस जमाने की। क्या हुआ कि मैं जंगल में घूम रहा था, मेरे को बहुत सारे लकड़ियों की जरूरत थी क्योंकि मेरे अपने घर को बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाना था, एकदम मॉडर्न हाउस की जैसे बनाना था। तो मैं जंगल में आया था लकड़ियाँ काटने को। तो मैं यहाँ पर देखा तो ये यहाँ पर खड्डा था और मेरे को दूर से आवाज भी आई थी, यहाँ पर क्रीपर पड़ा था। फिर मैंने सोचा क्या लेना देना हमको, तो फिर मैं अपने घर के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था। फिर मैं अपने घर की ओर जा रहा था, मेरे घर के पास पहुंचा तो देखा इतने सारे क्रीपर यहाँ पर क्या कर रहे। और मैंने अपने घर की ओर देखा तो क्या देखता हूँ, मेरे घर की क्रीपरों ने बैंड बजा के रखी है। मतलब मेरे घर के पास इतने सारे क्रीपर थे और मेरा घर की आप हालत देखो, पूरा फट गया था। मतलब इन क्रीपरों ने तो मेरे घर की पूरी हालत ही खराब कर दी थी। तो मैं ये सोच रहा था कि यार क्रीपरों ने मेरे साथ ऐसा किया ही क्यों, किस लिए किया? क्योंकि मैंने कल एक क्रीपर को मार दिया था, इसके लिए क्या? मतलब इनकी बिरादरी मेरे पूरे घर को तहस नहस कर देगी? मेरे को बहुत गुस्सा आ गया और मैंने यहाँ से एकदम से छलांग मार दी थी। और छलांग मारने के बाद मैं मरना तेरे को डर नहीं लगता? सीधा क्रीपरों को मारने के लिए चला गया। मेरे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था इन क्रीपरों पर कि मेरा पूरा इतनी मेहनत से बनाया हुआ घर इन्होंने तोड़ दिया। ये देखो क्रीपर अभी तक तो मेरे ऊपर हमला कर रहे, ये फटिए चार तीन क्रीपर, ये चौथा और ये पांचवा और आ गया, ये भी फट गया। फिर मैं यहाँ से जा रहा था, ये छठा और आ रहा था, ये इसके पास से मिल गया, ये भी फट गया। यार मेरी पूरी हाफ एसपी कर दिया। लेकिन इन क्रीपरों ने जो मेरे साथ किया है, मेरा पूरा घर को मतलब इसे तहस महस कर दिया, इनका बदला तो मैं जरूर लूंगा, मतलब जरूर लूंगा और जरूर लूंगा। चुप, बिल्कुल चुप। 2000 years later और मैंने ठान लिया कि मैं इनसे बदला लेकर रहूंगा। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं गुजारिश करता हूँ। और आज वो बड़ी मुश्किल से तीन लोगों को मैंने अपनी कैद में कर दिया है और आज इनकी खैर नहीं, अब मैं इनके साथ बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। तो मेरे पास एक ऐसी चीज है जिन्हें मैं इन्हें भूत बना दूंगा और ये हड्डियों के ढांचे होंगे, और मैंने एक राक्षस को बुलाया जिसकी वजह से ये सब होगा। तो अभी मैं यहाँ से नीचे उतरता हूँ। देखो इनका चेहरा देखो, कितने डरे हुए हैं। क्या लगता है इन्हें, ये बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे, आज इनकी खैर नहीं, आज मैं इनको तड़पा तड़पा के मारूंगा। मेरा कितना ब्यूटीफुल सा घर था यहाँ पर, और देखो इन्होंने क्या कर दिया, मेरे पूरे घर का सत्यानाश कर दिया। ये एंट्री वेंट्री सब खराब कर दी मेरे। ओ शक्ति के शहंशाह यहाँ पर आओ, ओ शक्ति के शहंशाह जल्दी आओ, आपके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। ओ शक्ति के देवता, देवता नहीं राक्षस है वो, ओ शक्ति के क्या कह रहा था, ओ शक्ति के राजन यहाँ आओ, आपके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। भोजन में हमारे पास तीन तीन क्रीपर है। ओ शक्ति के देवता जल्दी आओ, 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 ओ शक्ति के देवता जल्दी आओ। ये क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पर? अरे इतनी जोर से बारिश क्यों आ रही है? क्या हुआ यहाँ पर, क्या किया शक्ति के देवता ने? ये क्या है? अरे यार ब्रू, क्रीपर्स को देखो, शक्ति के देवता ने इन्हें देखो खा, लगता है पूरी तरह खा गया। सिर्फ इनका कंकाल बचा है। और ये क्या, इनके जो विस्फोटक शरीर के अंदर TNT है क्या, ये देखो वो भी दिखाई दे रहे हैं। अरे यार ब्रू, शक्ति के देवता ने इन्हें पूरा स्केलेटन बना दिया।
स्केलेटन क्रीपर बना दिया इन्हें। देखा मुझसे पंगा लेने का नतीजा, तुम लोग अब स्केलेटन क्रीपर हो। अब ध्यान रखना, अगली बार अगर मुझसे पंगा लिया तो इससे भी बुरी हालत कर दूंगा। अभी तो तुम जिंदा, अभी ये तुम्हारे पेट के अंदर से TNT भी निकाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। तो कैसा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वैसे ऐसे ही शक्ति के देवता से मेरी बहुत अच्छी पहचान है। ध्यान रखना आप लोग, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो देख लेना मुझे।